अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, जिसमें आपसे कहा गया है कि एक आपका पॉलीनोमियल है जिसके आपको सभी रूट्स जीरोस निकालने हैं। पॉलीनोमियल क्या है? 3x^4 + 6x³ - 2x² और क्या है माइनस का 10x और -5। ये है आपसे पॉलीनोमियल, ये गिवन है आपको, ये फंक्शन गिवन और आपको रूट्स दिए हुए हैं। कहा कि अदर टू जीरोस, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी इक्वेशन की जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, मतलब जो डिग्री होती है, उतने ही जीरोस होते हैं। चूंकि इसके चार जीरोस हैं तो दो उन्होंने दिए, जीरोस का मतलब क्या होता है एक्स की वैल्यू जो उन्होंने दिए, एक्स कॉस टू क्या दिया है, एक दिया √5/3 दिया है और दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरा भी आपको ये दिया है −√5/3 दिया है। ये दो जीरोस दिए हुए हैं और आपको बाकी के दो निकालना है, तो बहुत सिंपल है, हम इसी से इक्वेशन बना के निकाल लेते हैं। तो देखेंगे गाइस, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, जीरो। यहाँ पर भी यही होना है गाइस, जो माइनस का इस तरफ क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा। और मैं इसको रूट बना देता हूँ 5/5, चूँकि अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको इरेज ही कर दूँ तो ज़्यादा सही है, इरेज हो गया। तो आप देखेंगे इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का है तो ये प्लस का √5/3 हो जाएगा और बराबर में जीरो। अब चूंकि दोनों ही जीरोस हैं वो जीरो के बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो के बराबर होगा। दोनों को इनटू में लिख दीजिए आप, जैसे कि हम करते हुए आते हैं हर बार, ठीक है ना। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया, क्या बना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या होता है ये बता दो अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो गाइस क्या होगा फिर आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये आपका हो जाएगा x² - √5/3² इक्वल्स टू रूट, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² - 5/3 बचेगा बराबर जीरो। तो अपॉन में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x² - 5/0। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आया है, इस इक्वेशन से मैं जो पॉलीनोमियल जो दिया हुआ है, ये वाला जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करके हम बाकी के निकाल लेंगे। चलिए तब हम डिवाइड कर देते हैं, किसको डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। इसको डिवाइड करना है मुझे, किससे डिवाइड करना है मुझे, मुझे डिवाइड करना है 3x² - 5 से डिवाइड करना है। चलिए तो डिवाइड करते हैं। आप देखो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि जो पहला इसका जो होता है और पहला इसका टर्म जो होता है, दोनों को टर्म को डिवाइड करते हैं। तो 3x^4 को मुझे डिवाइड करना है 3x² से, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो पावर 4 और 2 तो कितना आएगा x², यहाँ लिख दिया 3x^4। अब जो बचा हुआ नंबर होता है इसके से मल्टीप्लाई करते तो −5 × x² क्या हो जाएगा, −5x² हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। अब चूंकि माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो गए, ये बचेगा आपका 6x³, ये आपका −3x² हो जाएगा और ये −10x और ये −5, गॉट इट। सो हियर इज, फिर से फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का करेंगे, तब मुझे 6x³ को डिवाइड करना है 3x² से, तो 3 × 2 = 6 से 2 टाइम जाएगा और एक पावर यहाँ कम है तो मींस +2x, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये 6x³ और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, −5 × 2 = 10x, तो हो जाएगा आपका 10x, ये आपका ये माइनस और ये आपका प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बचेगा −3x² - 5। अब आपको पहली टर्म −3x² से डिवाइड करना है 3x² को, मतलब कि माइनस की 3x² को डिवाइड करना है 3x² को, तो कैंसिल आ गया, सिर्फ माइनस का 1 आएगा तो −1, तो ये लिख दिया −3x². अब ये −5 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, ये −5 होगा, तो गाइज ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये −, क्या होगा प्लस, तो ये प्लस का 5 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे साइन माइनस ही का प्लस का आना चाहिए था गाइस, ये प्लस का आएगा ना, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये प्लस ही रहेंगे, ठीक है गाइस, ये गलती हो गई थी हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसको वापस ले लिया, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया जीरो। तो आपके पास ये क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया ये क्वेश्चन, x² - +2x + x। अब बस इसको ही हमें सॉल्व करना होता है, क्या आया आपका x² + 2x + 1 = 0।
अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर लो तो अदर टू जीरोज निकल जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, और एड सब्ट्रैक्ट करने में आपका टू आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में वन आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, वन इंटू वन, क्योंकि अगर मैं वन प्लस वन करूँगा तो टू हो जाएगा और वन इंटू वन करूँगा तो वन ही होगा, तो बस टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस वन एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो पहले 200 कॉमन, आखिरी 200 कॉमन, तो यहाँ एक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वन लिख दूंगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब क्या होगा ये, अब आप सिंपल सा समझ ही रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, और एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। सो हियर इट इज़ गाइस, तो ये दोनों आपके जो रिमेनिंग जीरोस थे वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। तो यही आपका आंसर है।